डियर स्टूडेंट्स, आई एम नितिन कुमार तिवारी, योर हिंदी टीचर, वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन बीटीएस के ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में मैं कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 पाठ 9, पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। इस पाठ का संक्षेप में सारांश बता रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी पूरे पाठ को घर पर पढ़ेंगे, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। संक्षेप में मैं इसका सारांश बता रहा हूँ। चिड़िया की बच्ची एक छोटी सी चिड़िया है। माधवदास का बहुत बड़ा बगीचा है। माधवदास सेठ है, बहुत संपन्न है। उनका बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें चिड़िया के बैठ जाती है। माधवदास को लगता है कि हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे, जो मेरे बगीचे में आ गया है वो सब मेरा है, जिसको मैं चाहूंगा उसको अपने आदमी बनूंगा। बहुत नौकर थे उनके घर में, कई कोठियां थी, कई बगीचे थे। बगीचे में चौतरा बना हुआ था और उसी पे आसन लगा करके सेठ माधवदास बैठे हुए। सेठ का नाम है माधवदास। संगमरमर की इनकी चोटी थी। इनके बगीचे में एक छोटी सी चिड़िया आती है, गुलाब की डाली पर इधर से उधर उछल उछल करती है। गर्दन उसकी लाल है, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई है। बहुत सुंदर चिड़िया है, पंख चमकदार है। माधवदास को बहुत पसंद आती है। माधवदास कहते हैं, चिड़िया तुम मेरे घर पे रहो, कोठी पे रहो, इस बगीचे पे रहो, इसको अपना समझो, तुम्हें मैं सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, जो तुम खाओगे सोने की कटोरी होगी। लेकिन चिड़िया वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, भयभीत हो गई, जो उदक रही थी अब भयभीत हो गई, संकोच में आ गई, सहम गई, अब सोच रही है मैंने गलती किया है, जो दूसरे के बगीचे में आ गए। वो कहती है मैं क्षमा चाहती हूँ सेठ जी, मुझे पता नहीं था ये आपका बगीचा है, मैं जा रही हूँ। सेठ जी कहते हैं नहीं, तुम जाइए मत, रहिए, बगीचा तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, हमारे घर में असंख्य सेवक हैं, सब आपकी सेवा करेंगे। लेकिन ये चिड़िया उनकी बात नहीं मानती। सेठ एक बटन दबाते हैं, इतने में एक नौकर आता है गुलेल लेकर, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। चिड़िया से वो बात कर रहा है सेठ, चिड़िया भी अपने भाषा में बातचीत कर रही है। चिड़िया को एक कठोर सा कोई लगता है, ठोस चीज, चोट बहुत तेज लगती है। चिड़िया ची ची करके उड़ जाती है, वो उस सेवक शिकारी के हाथ में नहीं आ पाती। वो भाग के अपने मम्मी के पास जाती है, अपनी माँ की प्यारी माँ के पास जाती है घोंसले में, और अपने माँ के पंखों से चिपट करके ओ माँ कहने लगती है। माँ माथा सहलाती है, पूछती है प्रेम से, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बताती नहीं, ओ माँ कहती है। अंत में उसी से चिपट करके सो जाती है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबको अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए। मैं जिसको अच्छा देखूँ, जिसको सुंदर देखूँ, उसको ही अपना गुलाम बना लूँ, अपने हिसाब से उसको रखूँ, ये संभव नहीं। ये पशु पक्षी जितने प्राणी हैं सब स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक इनको जीने, रहने, आने जाने, खाने पीने का अधिकार है। पाठ को पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। PDF में प्रश्नोत्तर दे दूंगा, अगली वीडियो PDF में मैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न दूंगा, अगली वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर दे दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए और